हेलो नमस्कार स्वागतम सुस्वागतम पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हम सभी आपका हृदय से यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दरा के 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक होने वाले इस राष्ट्रीय हस्तशिल्प और लोक उत्सव में लोक कलाकारों का जो अनूठा प्रदर्शन है वो यहाँ दिखते ही बनता है। आज की इस शाम को हम आगाज कर रहे हैं राजस्थान के उस प्रांत से जहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं जिनकी गूंज पूरे विश्व में गुंजायमान होती है, ऐसे ही वाद्य यंत्रों का अनूठा मिलन आज हम यहां पर इन सभी कलाकारों के माध्यम से जुगलबंदी के माध्यम से सुनेंगे। सर्वप्रथम
मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मोरचंद पे हैं हमारे कलाकार गेवर खान जी. एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा गेवर खान जी के लिए. सिंधी सारंगी पर हैं सिकंदर जी, उनके लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां. बिन मुरली पर हैं माजिद भाई, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी आप स्वागत करें. भपम पे हैं यूसुफ और जाकिर भाई. खड़ताल पर हैं दिलावर खान साहब, एक बार जोरदार तालियां. और ढोलक पर हैं मुश्ताक भाई और गाजी खान साहब. तो ये हमारे जो कलाकार हैं होनहार कलाकार, इनकी लोक शैली के माध्यम से किस तरीके से ये जो वाद्यंत्र यहाँ पे अभी जिनका ध्वनि आप यहाँ पे सुनने वाले हैं किस तरीके से मिश्रित होती है और किस तरीके से उनकी ध्वनि से आपके दिल और आपके कानों में सुर गुंजायमान होते हैं. तो चलिए हम ले चलते हैं आपको राजस्थान की उस देहाती और ग्रामीण परिवेश में जहाँ पर इन सभी लोक वाद्यंत्रों का निर्माण हुआ है इनके स्वर से. Thank you.
मैं चाहूंगा कि इन सभी कलाकारों के लिए, लोक कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत और सम्मान करें। एक बार पुनः मैं आप सभी का पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 21 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय हस्तशिल्प लोक उत्सव में गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति यहाँ पर निरंतर दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारी इस शिल्पग्राम में एक बहुत ही अनूठी इसकी मिसाल है कि यहाँ पर जितने भी देश विदेश के लोग आते हैं वो अपना प्यार बहुत प्यार के जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये वो ग्राम है जहाँ पर आकर उनको एक चैन मिलता है, एक सुकून मिलता है। तो हमारा शिल्पग्राम, हमारा प्यारा शिल्पग्राम ऐसी लोक कलाकारों की ऊर्जा को एक क्रियान्वित करता है और बहुत खूबसूरत तरीके से उनके हुनर को यहाँ पे सम्मान मिलता है। राजस्थान की ये परंपरा है कि जितने भी हमारे मेहमान आते हैं उनका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं। और आज जो हम इस शाम को आगाज कर रहे हैं, महाराष्ट्र की लोक नृत्य की शैली को हम विभिन्न लोक नृत्यों गीतों के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आज जो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और वहाँ के विचारधारा, इन सभी का एक अपने आप में एक सम्मिश्रण है और वहाँ की प्रतिभाओं का एक अलग ही मुकाम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में तीनों ओर समुद्र से फैला हुआ है, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे भी बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनमें लोक नृत्य, लोकगीत के माध्यम से वो अपना दिन प्रतिदिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं उनमें मनोरंजन करते हैं। उसके अलावा जो वहाँ की गृहणियाँ हैं, जो देवी देवताओं का जो स्थान है, संत तुकाराम और छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धाओं के प्रति उनका आदर सम्मान, उन्हीं के सम्मान में और महाराष्ट्र के सम्मान में वो अपने गीतों को गुनगुनाते हैं और किस तरीके से उनकी जीवन यात्रा सफल होती है, ऐसा ही लोक संस्कृति महाराष्ट्र के माध्यम से आज हम यहाँ पे नृत्यों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से उनकी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत समागम देखेंगे। अभी जो हम नृत्य यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, गणेश वंदना, ओवी भोपाली, वासुदेव शीतकरी, कौली लावणी, सौंगी मुखेटे, दिंडी गौदर और जोगवा लाठी काठी और शिव राज्यभिषेक और महाराष्ट्र का गीत। तो आइए राजस्थान के इस प्रांत से हम आपको ले चलते हैं समुद्र के किनारे महाराष्ट्र की नगरी की ओर। आइए, गणेश वंदना से। लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषि
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची पुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। डान पावलं रे बाबा डान पावलं। वासुदेव आला हो वासुदेव आला, वासुदेव आला हो वासुदेव आला।
सकाळच्या पारी हरि नाम बोला वासुदेव आला हो वासुदेव आला वासुदेव आला हो वासुदेव आला सकाळच्या पारी हरि नाम बोला वासुदेव आला हो वासुदेव आला लपून बसलय कोनर त्याला गुंफन गुंड्यान हानर जीवाचा मैतर ढवळ्यान पवळ्या शेताला घेऊन चालर जीवाचा मैतर ढवळ्यान पवळ्या शेताला घेऊन चालर Thank you.
दया भरू न सरी लगा तू न माटी उधड़ते गंध अंगी वाला धरू न माटी उधड़ते गंध अंगी वाला धरू न तुझा आवाज भरना देवा सावळ्या मेघान तुझा आभाळ भरलं देवा सावळ्या मेघान कोऱ्या चालल्या रानात कोऱ्या चालल्या रानात सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण सुरू झाली या पेरण कोली सोरी लडोली र मुंबईचा किनारी मार्तिन कोली ना हनल्यान डोली र चल जाऊ बाजारी सौची पारू नेसली गो नवा सारा वे सौची पारू नेसली गो नवा सारा जाऊसल गो पंद्रह लाख पारू दरिया के कुंजेला जाऊसल गो पंद्रह लाख पारू दरिया के कुंजेला जाऊसल गो समली जोड़ी मजे बस करीन बाई गो बस करीन बाई बस करीन बाई बस करीन बाई तू उबी बांधाव नजर तुझी चांदाव नजर तुझी चांदाव दोन पैसे दे गो मला गोमू दे गो मला खर्चाला पान सुपारीला माहिमचा हलवा आणीन तुला गोमू आणीन तुला नाही खाल्लास तर मारीन तुला अगो नाच गो पोरी नवी नवी नवरी तुझे पट्टी न शिवरी माणसं दिले त्याने पोरा बी संपत्या नाच गो हिरू नाच गो पारू नाच गो हिरू नाच गो पारू नखऱ्यात हालू न पाय आज गो लगीन घुमूच हाय आज गो लगीन घुमूच हाय ए अली
घटी समीप नवरा घेवोनी यावा घरा वादल त्रे बहुगल बलान करणे पुरियात सदा मंगलम शुभ मंगल गोरी कोरिया धवन माजी नौरी गोरी गोरी कोरिया धवन माजी नौरी अंबुजोराजी लगिन करू तुझे मंडवादारी Bye.
गजर माऊलीचा गजर गजर माऊलीचा गजर
दर्शनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति की तो ये था आज की हमारी पहले पड़ाव का बहुत ही सुंदर लोक नृत्य से भरा कार्यक्रम, जिसे हमने महाराष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया। और हम इजाज़त लेंगे और 7 बजकर से लेके और 8 बजे तक दोबारा महाराष्ट्र की लोक संस्कृति का यहीं पर
किया जाएगा। तब के लिए हमें आज्ञा दीजिए, एक बार दोबारा से फिर हम आपके समक्ष होंगे। धन्यवाद।